नमस्कार, जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जयनगर जनकपुर के बीच ट्रेन चलाने के लिए ट्रायल हुआ आज। ट्रेन का परिचालन प्रारंभ होने की खबर से दोनों देश के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में प्रसन्नता का माहौल। जयनगर से वाया जनकपुर कुर्था तक सवारी गाड़ियों का परिचालन जुलाई माह के अंत तक प्रारंभ होने की उम्मीद जगी है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के मुख्य संरक्षा आयुक्त आज 18 जुलाई को इस रेलखंड का निरीक्षण किया। CRS के निरीक्षण के पश्चात नेपाल रेलवे की ओर से जुलाई माह के अंत तक सवारी गाड़ियों का परिचालन प्रारंभ कर दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। नेपाल सरकार की ओर से परिचालन को लेकर पहले ही अधिसूचना जारी की जा चुकी है। नेपाल रेलवे परिचालन को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर चुका है। 6 महीना पूर्व ही नेपाल रेलवे बोर्ड द्वारा 84 करोड़ की लागत से कोंकण रेलवे से एक जोड़ी डेमो ट्रेन की खरीद की जा चुकी है। कोंकण रेलवे द्वारा ही नेपाल रेलवे की ओर से गाड़ी परिचालन को लेकर बहाल किए गए कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कोरोना संकट और नेपाल में जारी राजनीतिक उथल पुथल के कारण जयनगर वाया जनकपुर कुर्था तक सवारी गाड़ी के परिचालन में विलंब होने की बात कही जा रही है। ट्रेन का परिचालन प्रारंभ होने की खबर से दोनों देश के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में प्रसन्नता का माहौल है। बता दें कि जयनगर से वाया जनकपुर बर्दीबांस तक 65 किलोमीटर में अमान परिवर्तन का कार्य भारतीय कंपनी इरकॉन के माध्यम से कराया जा रहा है। प्रथम चरण में जयनगर से कुर्था तक 31 किलोमीटर में कार्य को पूरा कर परिचालन प्रारंभ किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो अब पूरा होने वाला है। किसके निरीक्षण के लाए हैं आप लोग? हम तो जो सामान्य जो सेफ्टी से संबंधित निरीक्षण है, तथा यहाँ पे जो दी गई पैसेंजर अम्यूनिटीज है जयनगर स्टेशन और दरभंगा जयनगर रूट के बीच में, और यहाँ पे चल रहे विभिन्न कार्य, इनकी सामान्य प्रगति निरीक्षण करने आए थे। और उससे बड़ी बात यह है कि आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक दिन है, जब हमारा इंडो नेपाल रेल लिंक यहाँ से जयनगर से कुर्था ये चालू होने जा रहा है, जिसका कि आज स्पीड ट्रायल है। इसके बाद CRS सेंक्शन, इंस्पेक्शन, निरीक्षण और उसके बाद विधिवत इसका हाईएस्ट लेवल पे इनॉग्रेशन, ये प्रक्रिया है वो आज प्रारंभ हो रही है। इस बात की हमें खुशी है कि यहाँ के लोगों को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी मिल पाएगी। आज ट्रेन का परिचालन हुआ है और इस महीना के अंत तक शुरू होने की संभावना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा हम लोग को बहुत अच्छा लगा, जो भारत नेपाल का जो 8 साल से ट्रेन जो बंद है, वो जान लोग को सौभाग्य है कि बड़ी रेलगाड़ी हमारे जयनगरवासी को नेपाल जाने के लिए मिली है। उससे बहुत ही अच्छा, बहुत जहाँ बेटी रोटी का आपको यहाँ जयनगर नेपाल है, इंडिया नेपाल है, उससे बहुत अच्छा हमको लगा। अब हम आशा करते हैं कि इस महीना के लास्ट तक उम्मीद है कि ट्रेन चालू जयनगर कुर्था के लिए चलेगी। क्या नाम हो गया आपका? गोविंद कुमार मंडल, वार्ड पार्षद, नगर पंचायत जयनगर।